हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल टेल्स। एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ रुपए बचाकर नगर सेठ के पास बिना लिखा पढ़ी के विश्वास पर ही रख दिए। बेटी के विवाह योग्य होने पर वह सेठ के पास अपने रुपए लेने गया तो सेठ ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ब्राह्मण रोता हुआ राज दरबार में पहुँचा और राजा को अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने सुनकर कहा, कल जब हमारी सवारी सेठ के इलाके में प्रवेश करने वाली हो तब तुम उससे पहले ही नुक्कड़ पर हमें मिल जाना। अगले दिन योजना अनुसार सवारी के नुक्कड़ पर पहुँचते ही वहाँ खड़े ब्राह्मण को राजा ने अपने रथ पर बिठा लिया और सेठ के घर के आगे से गुजरते हुए आगे जाकर उतार दिया। राजा के रथ पर ब्राह्मण को राजा के साथ बैठे देखकर सेठ को राजा से ब्राह्मण की नजदीकी का एहसास हुआ। वह यही सोचकर डर गया कि पता नहीं वह राजा से मेरे बारे में क्या कह दे। वह तुरंत ब्याज सहित उसके रुपए लेकर उसे लौटाने गया और भूल के लिए क्षमा भी मांग ली। ब्राह्मण भी सोचने लगा कि जब एक राजा के कुछ पलों के सामीप का इतना लाभ मिल सकता है तो राजाओं के राजा परम पिता का सामीप तो न जाने क्या क्या दिला दे। ब्राह्मण ने स्वयं को ईश्वर की उपासना में ही समर्पित कर दिया। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।